पितृपक्ष में क्या सावधानियां बरतें। हिंदू शास्त्रों में हर काम को करने का एक नियम बनाया गया है, वैसे ही श्राद्ध यानी पितृपक्ष या महालय के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है जिससे कि पितृ हमारे प्रसन्न हो और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से उन्हें शांति भी प्रदान होवे। तो आइए जानते हैं, पितृपक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो है पितरों को तर्पण देना। इसके अलावा क्या सावधानियां रखें, आइए जानते हैं। दोनों समय स्नान करें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर जो कि पूर्वजों की दिशा मानी जाती है उस दिशा में अपना मुंह करें, हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें। मध्य दोपहर के समय यानी 11:30 से 12:30 बजे का समय तांबे के कलश में जल लेकर उसमें कुशा डालें, कुश को उंगली में अंगूठी की तरह पहन लें, जल में काले तिल डालें और पूरी श्रद्धा के साथ तर्पण करें। कोशिश करें कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जल से तर्पण और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करें। पाठ करते समय अपना मुंह दक्षिण दिशा में रखें, गीता का पाठ जोर जोर से पढ़कर बोलें, जैसे कि आप किसी को सुना रहे हो। पितरों को सफेद फूल जरूर चढ़ाएं, घर में सात्विक भोजन बनावे और जो तर्पण करता है वो व्यक्ति फलाहार करे तो ठीक रहता है, और वो भूखा न रह पाए तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करे, वो चाहे तो एक समय फल खा सकता है। कोशिश करें कि पितृपक्ष में पूर्वजों को काले तिल से जल अर्पण करें, दान दें, गरीबों को भोजन करावे, जरूरतमंदों की मदद करें, लेकिन ये सब आपको श्रद्धा के साथ करना है। पितृपक्ष में आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि का ज्ञात न हो तो श्राद्ध के अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन करावे, जीव जंतु को खिलाए, दान पुण्य करें। आप अपने जीवन में घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो महीने में एक बार पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर भी दान दें, गरीबों को भोजन करावे। श्राद्ध वो पर्व है जो श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आप दिखावे में आकर या अपने सामर्थ्य से बढ़कर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा आपके पूर्वज भी नहीं चाहेंगे कि आपके पास पैसा नहीं है और आप दूसरों से मांग कर उनके लिए अपने सामर्थ्य से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे विश्वास और भक्ति श्रद्धा के साथ उन्हें याद करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।